यार पूरी रात। नहीं सबसे अच्छी बात है ना उतरते हुए हुई है। आज बहुत ज़्यादा स्नोफॉल हुआ है ना, तो उसकी वजह से सारा रास्ता बर्फ ही बर्फ है। और मोटा तीन बार फिसल भी चुका है। तीन बार फिसला। और तू भी दो बार। यार सॉरी यार, वाइफ की बात नहीं टालनी चाहिए वरना लड़ाई हो जाएगी आज। तुम अपना विक्टिम कार्ड क्या खेलते हो, जो रियलिटी है वो बोलो। जितने आदमी है ना सारे विक्टिम ही होते हैं, जो रियलिटी है वो बोलो। देखो दोस्तों, अभी गिरने वाली थी, बनानी पड़ रही है। एक्चुअली क्या है ना, बर्फ की वजह से बहुत स्लिपरी हो गया, तो उसकी वजह से पहले आपको ग्रिप बनानी है, फिर पैर उठाने और डंडे से बता दे देखना हाँ। मार के हाँ। कि ग्रिप बन सकती है कि नहीं, तो इसलिए आज हम उतरे जुड़ागे तालाब से, नीचे उतरे सांकरी। आज हमारा लास्ट डे है और बहुत मजा आया। अभी आते आते भी हम तीन बार गिरे हैं और आज बहुत ज्यादा स्नो है। कल हम समिट तक गए थे और हमने मतलब सनराइज देखा, बट हमें नहीं लगता कि अभी जो लोग ऊपर जाने वाले हैं वो लोग सनराइज देख भी पाएंगे। कल तक हमें ये था कि ना स्नोफॉल नहीं हुई यार हमारे।
हमारी फोटोज नहीं हुई, बाकी सब अच्छा था। और कल तक हम प्रे भी यही कर रहे थे कि स्नोफॉल ना हो, बिकॉज स्नोफॉल अगर ज़्यादा होता है तो ये लोग आपको समिट तक नहीं ले जाते, वहीं के टी पॉइंट से नीचे ले आते हैं। तो हमारा कल समिट बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छी धूप निकली हुई थी और हमने इजिली कवर कर लिया। और नीचे आने के बाद हमने प्रे किया कि भगवान अब स्नोफॉल दो, और सुबह हम उठे तो हमारी विश पूरी हो गई। जब हमने टेंट खोला ना यार, इतना सुंदर नजारा था यार, वी कांट इवन प्रिडिक्ट, मतलब देखना और वीडियो में देखना और रियलिटी में देखना यार, लाइक वे वे लाइक फार। आप स्नो वाली जगह पे जाते हो, इट्स अप टू आवर इंटरेस्ट, बट अगर आप स्नो वाली जगह पे जाते हो, गाड़ी में बैठे हो, सीधा वहाँ पहुँच गए, फोटो फोटो की करवाई और आ गए, तो इट्स ओके, इट्स आवर इंटरेस्ट। बट हाँ, ये कुछ डिफरेंट था स्नो के साथ, कुछ मतलब ऐसा लग रहा है कुछ हासिल करके आ रहे हैं। बहुत कुछ हमने किया यार, बहुत स्ट्रगल था, नेटवर्क नहीं था, और कहीं बेस्ट पार्ट था नेटवर्क नहीं था, दैट्स व्हाई वी एंजॉयड दैट, बिकॉज़ अगर नेटवर्क होता देन वी वर लाइक यार ये अपलोड कर देते हैं। और सुबह हम क्या सोचते हैं ना, हमेशा सुबह उठते हैं तो एक बार फोन देख रहे होते हैं, यार किसका मैसेज आया है, फेसबुक पे क्या आया है, व्हाट्सएप पे किसका मैसेज आया है, क्या करना है, वीडियो पे कितने लाइक आए, ये वो ब्ला ब्ला। बट आज कल हम मतलब चार दिन हो गए, सुबह उठते हैं तो पहले बाहर निकलते हैं, यार बाहर निकलो, मौसम देखो कैसा है, आज हम समिट पे पहुंच पाएंगे कि नहीं, आज हम नीचे निकल पाएंगे कि नहीं, स्नो हुआ कि नहीं। सबसे पहला काम क्या रहता है हमारा, उठते ही कि आग जलाओ यार, आग जलाओ। हाँ। हमें चाय वगैरह पीनी होती है, ब्रेकफास्ट करना होता है, बहुत अच्छा था। ठीक है, 8,000-9,000 से अबव का ट्रिप नहीं है। हाँ। इससे ऊपर अगर आप लगा, और बोन फायर करने में यार अलग ही मजा है, बोन फायर करने में सही में, मतलब इतनी ठंड में बोन फायर करके बैठने का मतलब नथिंग। और सबसे अच्छी बात होती है ना गाइड की, अगर आपके साथ पास ना गाइड अच्छा है, इंस्ट्रक्टर अच्छा है, तो यू विल फील बेटर की मतलब मैंने बहुत सारे यार देखे हैं साथ में गाइड थे जो इंस्ट्रक्टर थे, दे वर नॉट एज गुड एज आर्स, मे बी हमारी टीम ज्यादा बेटर थी, आई डोंट नो, इट्स डिपेंड अपॉन सी आप कैसे एंजॉय कर सकते हो ट्रिप को। अगर आपके पास टीम बहुत, जो आपकी टीम है वो बहुत फ्रेंडली है, आपकी टीम घुल मिल कर एक एज अ फैमिली अगर चल रही है तो आप एंजॉय कर सकते हो। अगर सब अपने अपने तीन तीन चार चार के ग्रुप में है तब आप एंजॉय आई डोंट थिंक सो कर सकते हो, बाकी अपना अपना इंटरेस्ट है, कैसे भी कोई भी इंजॉय कर सकता है। बट हमें इसलिए अच्छा लगा क्योंकि हम हर स्टेट से कोई ना कोई दो दो तीन तीन आदमी थे, हमने सबकी लैंग्वेजेस सीखी, उन्होंने हमारी सीखी, बैठ कर हंसी मजाक किया, किसी के दिल टूटे तो किसी के दिल जुड़े, बहुत कुछ था। सबसे अच्छी बात तो यार यहाँ बहुत सारे लोग होते हैं जिनके दिल टूटे होते हैं या फिर अपनी पर्सनल लाइफ से स्ट्रगल कर रहे होते हैं, ऑफिस लाइफ से स्ट्रगल कर रहे होते हैं, तो यार उन लोगों के लिए यार ऐसे ट्रिप सीरियसली बहुत एंटरटेनिंग है, सीरियसली फन है, दे कैन मेक अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स, दे कैन एंजॉय आउटसाइड, दे कैन फील कि हाँ रियल वर्ल्ड क्या होता है। आजकल हम देख रहे हैं सारे दिन टीवी, फेसबुक, मीडिया, ये वो, इन सब में हम उलझे रहते हैं, बट हाँ जो आप हो वो यहाँ पर आप निखर कर रह सकते हो, आपको कोई शो ऑफ की जरूरत नहीं है, जैसे आप हो वैसे रह सकते हो, बेस्ट पार्ट वही है। कई लोग खुले में शौच भी करते हैं इधर बाकी मिलते हैं नीचे आपको, नीचे, नहीं नीचे तो मिलेंगे, लेकिन यार सबसे अच्छा है अगर व्यू देखो ना, अभी हम मतलब आई थिंक हाफ तक आ गए हैं हम, और अगर आप व्यू देखोगे ना यार, व्यू इज फैंटेस्टिक इवन हेयर। आज यहाँ पे यहाँ बर्फ नहीं है, यहाँ हल्की बारिश है, ऊपर अगर थे तो बिल्कुल प्योर वाइट बर्फ यार, इट वॉज अमेजिंग। और सोचो समिट पे कितनी बर्फ होगी आज, है ना। ओके बाय, नीचे मिलते हैं। गुलाब भाई भी आ गए, नंबर रिपीट कर दो, 9458953970 जी, भाई बुकिंग कंफर्म कर लो, मतलब अगर ग्रीफॉन में दोबारा करूँ आना, हाँ पूरी मजा मिला ग्रीफॉन में, बिल्कुल भाई है ग्रीफॉन वाले ग्रीफॉन। आप लोगों को एक गाइड की जरूरत नहीं, एक बड़े भाई की जरूरत हो तो जरूर याद करना, गुलाब सिंह को याद रखना, ग्रीफॉन को याद रखना। ओके भाई।